أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته गाइस आज मैं आपको जो शर्ट होती है उसके जो साइड के चौक होते हैं वहाँ पे जो हम बाज़ दफ़ा पट्टी उसके ऊपर लगाते हैं, बाज़ दफ़ा शर्ट की साइड से पट्टी बच जाती है जैसे बॉर्डर होता है, जैसे कि मेरे पास था, तो इसको हम चौक पे लगा लेती हैं। तो इसको लगाने का बेस्ट तरीका, जब हम यहाँ पे नोक बनाते हैं, जब चौक के यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे, तो हमने नोक बनानी होती है ये जो हम पट्टी लगा रहे होते हैं, तो उसकी जो नोक होती है वो अच्छे तरीके से नहीं बनती, बाज़ दफ़ा टेढ़ी मेढ़ी और बाज़ दफ़ा एक साइड से ज़्यादा और एक साइड से कम बन जाती है। तो उसका जो बेस्ट तरीका है जो मैं आपको लगाना सिखाऊँगी, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ये मैंने जो शर्ट के चौक थे वो ये मैंने फोल्ड कर लिया है, ये जो बॉर्डर था उसको भी मैंने दोनों साइड से ये देखें प्रेस की मदद से फोल्डिंग कर ली है। अब हम इस जो बॉर्डर है इसका लेंगे सेंटर, ये देखें ये मैंने बॉर्डर को किया डबल डबल करके, इसका ये है सेंटर। तो सेंटर के बाद ये एक साइड से आप जो है ये मैंने प्रेस किया हुआ इसको खोल दें, एक साइड से खोलने के बाद आप यहाँ पे निशान लगा लें इसके यहाँ पे सेंटर में। आप ये अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, वन इंच पे भी लगा सकते हैं, टू पे भी और 1.5 पे भी, ये आपके अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो मैं 1.5 पे निशान लगा रही हूँ, जहाँ तक मैंने निशान लगाया यहाँ तक ही हमने ये सिलाई लगा ले, इतनी ये जो सिलाई है वो हम लगा लेते हैं। तो गाइज़ ये देखें ये मैंने सिलाई लगा ली है, अब यहाँ से ये जो कोना है इसको थोड़ा सा कटिंग कर दें और अब इसको हम कर लेते हैं, पलटा लेते हैं और सीधा कर लेते हैं। पहले इसकी ये सुई की मदद से नोक निकाल लें गाइज़, तो ये हमने नोक निकाल लिया, उसको सीधा कर लिया। तो ये देखें ये आर रेडी तौर पे ये हमारी ये बहुत ही खूबसूरत नोक बन गई है, और ये देखें ये नीचे स्लाइड पे ऐसे ही वो चौक पे हम लगा लेंगे। पहले हम इसको करते हैं अच्छे से प्रेस, ये देखें ये दोनों साइड से अब हमारे पास इक्वल आ गया है और नोक भी बहुत अच्छे से बन गई है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी कि इसकी नोक चौक के ऊपर अच्छे तरीके से बनेगी या नहीं बनेगी। पहले हमने सीधी साइड से हमने इसको प्रेस किया नोक को, अब हम उसी तरह ही ये देखें ये जो हमने सिलाई लगाई थी उसको नीचे की तरफ कर दिया और बैक साइड से भी इसको प्रेस कर लिया। तो अब मैं आपको इसको शर्ट पे लगा कर दिखाती हूँ जी। तो गाइस ये देखें अब हमने ये अपनी शर्ट जो थी उसको मशीन के ऊपर बिछा लिया है। अब यहाँ पे ये जो चौक का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे, और ये जो हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पे, ये देखें ये बिल्कुल सिलाई के सेंटर में आना चाहिए। या तो आप यहाँ पे इसको कर दें पिन अप और नीचे से चौक के नीचे से इसको स्टार्ट कर लें, और नहीं तो इधर से ही हाफ़ इधर सिलाई कर लें और हाफ इधर कर लें। मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगी, यहाँ से ही नोक से, बिल्कुल नोक पे आप अपनी मशीन को रखें और वहाँ से ही आप सिलाई लगाना स्टार्ट कर दें। तो इसी तरह ही हम हाफ़ इस साइड पे लगा लेंगे और हाफ़ दूसरी साइड पे। तो ये देखें जैसे ही चौक हमारा बना हुआ है उस पर सिलाई लगाई हुई है, और उसी तरीके से ही हम ये सिलाई भी उसके इक्वल ही लगा सकते हैं। एक साइड पे हमने उसके सिलाई लगा ली है, अब हम इसके चौक के साइड पे सिलाई लगाएंगे। बस ये हमने चौक के दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, अब ये जो एक साइड बच गई है तो वो हमने प्रेस किया हुआ है, इसी तरीके से ही हम इस भी बिल्कुल किनारे किनारे। तो ये देखें गाइस ये हमारी जो चौक की ऊपर हमने नोक बनाई है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सफाई से बन गई है। जब हमने सिलाई में टर्न लेना होता है तो सुई को ऐसे नीचे ही रखते हैं कपड़े में, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं उठाते, वरना कपड़ा जो है वो इधर उधर हो जाता है और सिलाई भी हमारी ख़राब हो जाती है। तो अब इसको यहाँ पर ये नोक आ गई, यहाँ पे हमने सिलाई सुई को नीचे ही रखना है और फिर हमने इस साइड को इसको टर्न कर लेना है। पहले इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लें कि हमारी सही आ रही है, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। तो ये भी हमारी नोक बन गई, अब हम ये बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे।
तो गाइज देखें ये हमारा जो साइड के बॉर्डर था वो मैंने लगा लिया है। ये देखें दोनों साइड पे ये इनकी नोक कितनी अच्छे से और सफाई से बन गई है और बहुत इजीली बन गई है। कोई टेंशन नहीं हुई कि इस साइड से बढ़ेगा इस साइड से बढ़ेगा, नोक अच्छे से बनेगी या नहीं बनेगी। तो आप भी यही छोटी छोटी सी जो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स होती हैं इनको समझा करें, देखा करें और इनको ही यूज़ किया करें, तो फिर आपकी भी इसी तरह ही कपड़ों में नफासत आ सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और इसको ट्राई भी करें कि किस तरीके से ये काम हुआ है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।